प्रदेश में किसान के धान की खरीद ना होने से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मंडी में धान का भाव 900 रुपये से 1000 रुपये चल रहा है, जबकि सरकारी खरीद 1886 रुपये है। इसी को देखते हुए अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी हरदोई पहुंचे। यहां उन्होंने सडीला, गोसगंज, मलावा, माधोगंज आदि में धान कार्य केंद्रों का निरीक्षण किया। माधोगंज में किसानों द्वारा बिचौलियों से खरीद निर्धारित मूल्य से कम दिए जाने व कई दिनों तक खरीदे ना होने की शिकायत किए जाने पर उन्होंने वहां पे मंडी सचिव को जमकर फटकार लगाई व कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने यह निर्देश दिया कि 25 क्विंटल से कम धान लेने वाले किसानों से बिना टोक खरीदे की जाए तथा उन्हें समय बता दिया जाए कि कब खरीद होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी शिकायत मिली कि अच्छे धान को भी खराब बताकर वापस किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी कि ऐसे किसानों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वह उनका धान निर्धारित मूल्य पर ही खरीदा जाए। इसी के साथ उन्होंने समस्त खरीद केंद्रों को प्रभारियों व अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों की शिकायतें मिलने पर तत्काल निलंबित की कार्रवाई भी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव के इस दौर से हरदोई के धान खरीद केंद्र प्रभारियों व अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही है। अब आगे देखना यह होगा कि धान के किसानों को उनकी फसल का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य मिलता है अथवा नहीं। कुछ नहीं जा रहा, मिल मिला के साथ तमाशा कर रखा है। सही बात, यही बात है। आप इस नौकरी के लायक नहीं है, डेढ़ गुना ज्यादा जा रहा है। कौन खराब है, ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब क्या बेवकूफ है जो बोले जा रहे हैं, शिकायत किए जा रहे हैं। बंद कराइए सब तमाशा, बढ़ाइए कांटे जितने बढ़ा। कितने कैंट्री लगे हुए यहाँ पे? तीन है तो 10 कराइए, यहाँ पे 10 कैंट लगाइए और सब आ जाइए। एक आरती पे नहीं जाएगा, केवल खराब धान जाएगा इनके पास। अंग्रेस किए 1600-1700 से कम नहीं बेचेंगे, 1800-1800 से कम बेचेंगे नहीं जाएगा। मजाक से मजाक है, बंद करा सोलर मंडी यहाँ पे। तुम्हारी तो मंडी बाहर के अंदर भी बंद हो जानी चाहिए। अपनी क्षमता से पूरा केवल मार्केटिंग वाला चल रहा था और एसएफ वाला मंडी वाला थोड़ा स्लो था। तो एक तो उनको कड़े निर्देश दिए हैं कि एक कांटे पे कम से कम 300 तो मिनिमम होना चाहिए खरीद। 300 से ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत अच्छा, दो कांटे हैं तो कम से कम 600 रोज खरीद हो। दूसरा ये कि जो निर्देश है कि 25 क्विंटल वालों को टोकन की जरूरत नहीं है, तो वो छोटे किसान जो आ रहे हैं कम उपज वाले, उनको लगातार खरीदें तो परेशान ना करें, उनको बता दें कि ये 2 घंटे बाद खरीद जाएगा, 3 घंटे बाद, आश्वस्त कर दें जिससे वो अपना करके आ जाए। तीसरा, यहाँ जो प्राइवेट लोग थे वो बहुत जो है अच्छे किस्म का धान भी, खराब धान था वो तो समझ में आता था कम रेट बनने के लिए, अच्छे किस्म का धान भी ये जानकारी हुई थी कि कम रेट पे प्रयास हो रहा है, तो उसके लिए कड़ा निर्देश दे दिया कि किसी दशा में नहीं होगा और ये सचिव मंडी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, यानी तो उनको हम एक्शन लेंगे, सस्पेंड कर देंगे जी, और एक्शन हम और लोग के साथ लेंगे अगर हमारा और जरूरत पड़ेगी तो क्रय केंद्र या और बढ़ाएंगे। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट।